चंबा पहुंचने वाले हैं तो काफी ठंड लग रही है। आगे आगे जैसे हम जाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। चंबा में हम पहुंचे थे तकरीबन 10:30-11 बजे। ऑलमोस्ट दुकानें सारी शॉप्स बंद हो रही थी। यहाँ पे ये इंडिया गेट के जैसे ना एक तिरंगे का गेट बनाया हुआ है इन्होंने, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अच्छा है काफ़ी व्यू यहाँ पे। तो ये है गेट। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आज हम फिर से जा रहे हैं, आज हमने एक और ट्रिप प्लान किया है। हम जा रहे हैं डलहौजी के नियर बाय, जो प्लेस है सारी हम कवर करेंगे। डलहौजी, चंबा और सच पास और समथिंग और ऐसी नियर बाय जो भी प्लेस होगी हम कवर करेंगे। स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ये ट्रिप। और मेरे साथ से अगेन है मेरे साथ कमल। हेलो, हाय, और नीरू आ रहे हो कैमरे में? हाँ। और बुलबुल, इवनिंग के टाइम में हम निकले हैं और क्योंकि आपको पता है कि समर चल रहे हैं और बुलेट पे अगर राइड करनी हो तो समर में बेस्ट रहता है कि हम शाम के टाइम निकले हैं या फिर दोपहर में। पंजाब में तो बहुत, और 5 बजे हमने ये सफ़र को स्टार्ट किया है गुरदासपुर से। पठानकोट क्रॉस करके हम अभी हिमाचल में जस्ट हमारी एंट्री हुई है और अभी एक ढाबे पर हम रुके हैं चाय वगैरह पीने के लिए। चाय मंगवाई है हमने और पराठे, रोटी है, रोटी है और चपाती, चपाती घर से बना के, होममेड आई है, घर का है खाना सारा, दीदी लेके आई थी बना के घर से। और ये खा के हम चाय वगैरह पी के हम यहाँ से अभी निकलेंगे डलहौजी के लिए। पठानकोट से जो डलहौजी का जो डिस्टेंस है 70 to 80 किलोमीटर है और हम 15 किलोमीटर का ऑलरेडी डिस्टेंस हम कवर कर चुके हैं। यहाँ से 60 से 65 किलोमीटर का डिस्टेंस है डलहौजी है और जाएंगे एंजॉय करते हुए निकलते हैं और पहुँचेंगे और डलहौजी को एक्सप्लोर करेंगे और जो रास्ता है वो भी आपको दिखाते हैं, रोड की कंडीशन कैसी है वो आपको सब दिखाएंगे। गाइज, ये सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है और आप भी इंजॉय करेंगे। तो अभी चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दोबारा से हमारा सफ़र। गाइस, यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुके थे और सनसेट को देखने के लिए। बहुत ही बढ़िया यहाँ से व्यू है, बहुत धीरे धीरे जा रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। ऑलमोस्ट डलहौजी का जो है सफर कंप्लीट होने वाला है। तो हम आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि प्लान चेंज हो गया है, हम जा रहे हैं चंबा। जो पहले डलहौजी की तरफ जा रहे थे, हम डलहौजी को क्रॉस कर चुके हैं, हम डलहौजी के आगे निकल चुके हैं, हम जा रहे हैं चंबा क्योंकि हमारी जो मेन डेस्टिनेशन है वो है सच पास को जाना है हमें। तो डलहौजी आते हुए कवर करेंगे, अभी जा रहे हैं हम चंबा और चंबा से वहाँ सच पास जो है नज़दीक है काफ़ी। रोड की कंडीशन की बात करें तो रोड बहुत बढ़िया है डलहौजी, ऑलमोस्ट पठानकोट से जो डलहौजी तक का रोड है बहुत बढ़िया था, बन चुका है, पिछली बार की तरह नहीं है, टूटा फूटा नहीं है पिछले साल की तरह। इस बार जो हमने देखा है बहुत सारा रोड सारा रिपेयर हो चुका है और ख़ास करके यहाँ से डलहौजी से जब चंबा जाते हैं तो ये रोड काफ़ी स्मूथ है, बहुत ही अच्छी रोड है और ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं है और बिल्कुल खाली भी रोड नहीं है, थोड़ा बहुत ट्रैफिक चलता रहेगा और बहुत अच्छी खासी रोड है। बाइक चलाने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। मेरे हिसाब से टेम्परेचर है यहाँ पे 15 डिग्री। और आइए और इंजॉय करिए, फिर जाते हैं हम आके चंबा को एक्सप्लोर करते हैं। अरे क्या हो गया? कन्ने क्या हुआ, भूख लगी है? उल्टी वाला मन हो गया।
झूठ बोल दिया ना। चंबा पहुंचने वाले हैं तो काफी ठंड लग रही है। आगे आगे जैसे हम जाते जा रहे हैं ना, वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। तो हम विंटर के जो कपड़े हैं बहुत ही ज्यादा कम लेके आए हैं। तो अभी देखेंगे कि वहाँ पे जाके कैसा वेदर है और किस तरह से हमें लगता है वहाँ पे। गाइस, ये कंफर्ट विला करके कुछ है ये, और मैच की स्क्रीन लगी हुई है अंदर। यहाँ पे रुके हैं अभी, यहाँ पे से पास ही है चंबा, यहाँ से 4-5 किलोमीटर का डिस्टेंस रह गया। तो अभी रुक गए हैं एक रास्ते में, रेस्टोरेंट बार है, और यहाँ पे भी देखते हैं क्या है हमारे लिए, कोई रूम वगैरह मिलेगा यहाँ पे या नहीं। मैच लगा है, स्क्रीन है यहाँ पे। हाँ जी, की कहते हैं रूम वगैरह? चलो बुलाओ फिर, देखो बढ़िया सोना है। हाँ बहुत सोना, तेरे माहौल बन जाना। सामने उधर नदी है, क्रॉस करके उधर। क्या बात है जी, क्या बात है। वहाँ कबल रूम है, ठीक है। चंबा पे आ चुके हैं, अभी हम पहुंच चुके हैं। तो अभी बस स्टैंड के साथ ही ना बहुत बड़ी पार्क है, यहाँ पे हम घूम रहे हैं। तो डिनर करके आए थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सी वॉक करी जाए और साथ में जो है यहाँ का नज़ारा देखा जाए। तो बहुत सुंदर सी पार्क है। अभी तो सारे मुझे लगता है शॉप्स वगैरह बंद हो चुकी हैं यहाँ पर। तो चंबा में हम पहुँचे थे तकरीबन 10:30-11 बजे, और ऑलमोस्ट दुकानें सारी शॉप्स बंद हो रही थी। बस स्टैंड के नज़दीक एक बड़ी सी पार्क है, और यहाँ पे हम वॉक के लिए आए थे। अभी हमें थोड़ा सा जल्दी था कि काफ़ी सारे ढाबे वगैरह तो बंद हो गए, रेस्टोरेंट वगैरह बंद हो चुके हैं। ऑलरेडी 11 बज चुके हैं हमें, और ढाबे ऑलमोस्ट बंद हो चुके हैं। और यहाँ पार्क में अभी भी बच्चे खेल रहे हैं, और थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा जा रहा है। मैं शांति से, बहुत अच्छी प्लेस है मेरे हिसाब से। यहाँ पर घूमने के लिए काफ़ी समय चाहिए घूमने के लिए चंबा में। और यहाँ पे बहुत सारे जो चंबा के जो बैनर लगे होते हैं, चंबा का आपने देखा होगा कि हर एक शहर में आई लव चंबा या आई लव कोई सिटी का नाम होता है ऐसे समथिंग। तो यहाँ पे 2-3 जगह भी लगे हैं, द ग्रीन, गो ग्रीन, कीप क्लीन, ऐसे लगा हुआ है वहाँ पे, फैबुलस चंबा लिखा हुआ है। और यहाँ पे ये इंडिया गेट के जैसे ना एक तिरंगे का गेट बनाया हुआ है इन्होंने, उसमें आपको दिखाता हूँ मैं। अच्छा है काफ़ी व्यू यहाँ पर भी। तो ये है गेट, और वो है सामने पार्क, और अभी भी कुछ गाड़ी वगैरह आ रही है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, गो ग्रीन कीप क्लीन। 2 बैनर मैंने ऑलरेडी आपको दिखाए, एक यहाँ पे भी है, एक आई लव चंबा लिखा हुआ है, एक पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा वहाँ पे, फैबुलस चंबा। तो ये पार्क को काफ़ी इन्होंने सेंटर है पार्क चंबा की, तो काफ़ी अच्छा सा इन्होंने इसकी केयर कर रखी है। सारी ग्रीनरी है यहाँ पे, पेड़ वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं। यहाँ पे नाइट व्यू तो काफ़ी अच्छा है। दिन में भी, मॉर्निंग में हम यहाँ पे आएंगे और इस पार्क में कोशिश करेंगे एक बार घूमें यहाँ पे भी, क्योंकि वहाँ पे ऊपर आप देख रहे होगे वहाँ पे पहाड़ है। अभी अंधेरे में तो पता नहीं चल रहा कितने बड़े पहाड़ है, बट दिन में देखेंगे कैसा व्यू है यहाँ पे। पार्क के पास ही बिल्कुल फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का, और इन्होंने मारा ना, पता लगना फिर कहता की है कहता की गल। चल आ जाए, मैं परेशान करी है। गुड मॉर्निंग एवरीवन।
तो ये हमारी चंबा की मॉर्निंग है। तो अभी हमने नाश्ता किया है, आलू वाले पराठे हमने खाए हैं। तो अभी हम थोड़ा सा यहाँ पे आगे पार्क में, जैसे कि हम नाइट में घूम रहे थे, आप नाइट का व्यू तो देख ही चुके होंगे। तो अभी हम मॉर्निंग में आए हैं घूमने के लिए, तो देखा तो बहुत ही सुंदर व्यू है मॉर्निंग का भी यहाँ पे चंबा में। तो गाइस ये है डे का व्यू, रात में हम इसी पार्क में इसी सेंटर में हम घूम रहे थे, और ये है डे में, ऐसा है कुछ यहाँ पे व्यू। यहाँ पीछे से हम आए हैं मार्केट में, हमने होटल लिया हुआ था। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू, बाय बाय।